दोस्तों, अगर आप भी एक APS कंपनी चलाते हो, APS कंपनी का सर्विस लेते हो, कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब अपने शॉप में करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं APS कंपनी की तरफ से आया हुआ कुछ नए अपडेट, और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको जेल भी जाने का नौबत आ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो कि APS चलाने वालों के लिए बहुत ही खतरा हो चुका है। कुछ लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं और उनका जो है बेल अभी तक हुआ नहीं है, और अगर आप भी वो गलती कर दोगे तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जो भी कस्टमर आपके दुकान पे आता है कैश विड्रॉल करने के लिए, आप उनका सिग्नेचर बहुत लोग नहीं लेते। आगे जाके आपको क्या दिक्कत आ सकती है, मैं इसका कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख लेना। ये तो होगी दोस्तों पहली बात कि अगर कोई कस्टमर आता है पैसा विड्रॉल करने के लिए, अगर आप उसका सिग्नेचर नहीं लेते हैं तो आपको डबल नुकसान हो सकता है, साथ में आपको जेल जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर आपको मैं डिटेल्स बताया हूं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आप हमेशा करते हो, बहुत लोग करते हैं, कोई कोई नहीं करता, लेकिन अगर आप ये करते हो तो आपको बंद करना होगा। मान लीजिए आप पे नियर बाई, स्पाइस मनी, RNFI या फिर कोई भी कंपनी क्यों ना हो, आप SBI का CSP सेंटर ही क्यों ना खोले हो, आपको ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले जो भी कस्टमर आएगा वो अगर 2000 रुपीज विड्रॉल करने के लिए कहता है, बहुत सारे ऐसी APS कंपनी के संचालक हैं जो कि 2000 रुपीज वो विड्रॉल नहीं करेंगे, सीधे ही 2020 कर लेंगे, यानी कि 2020 करेंगे और 20 रुपये उसको मांगना एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोकेशन में आप 10,000 रुपीज विड्रॉल करने पर आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कस्टमर आपको पे करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, सिचुएशन ऐसे डिपेंड हो सकता है कि आप ऑफलाइन उसे मांगो वो अलग बात है, लेकिन आप उसे ऑनलाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे केस में 5000 रुपीज कोई कस्टमर विड्रॉल करना चाहेगा, तो वो आप अगर उससे मांगोगे 5000 के बदले आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे तभी जाके करूँगा, तो वो मना कर देगा। इसीलिए चुपचाप आप 5050 रुपीज उसके अकाउंट से विड्रॉल कर लेते हो, वो कस्टमर को पता नहीं चलता और आपका काम हो जाता है। तो ऐसे करके जो लोग 1000 रुपये विड्रॉल करने के लिए आते हैं, उसका 1010, 2000 करने पर 2020, 3000 पर 3030, 7000 पर 7070, 10000 पर 10100 रुपये विड्रॉल हो जाता है। तो ऐसे ही सब ट्रांजेक्शन के लिए अभी बैंक की नज़र आपके APS सेंटर के ऊपर है। तो ऐसे ही अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बंद करना होगा, क्योंकि अभी बैंक की नज़र ऐसे सब ट्रांजेक्शन पर हो चुका है, वो अभी ट्रैकिंग पे है कि कौन सा APS सेंटर से इतना पैसा विड्रॉल हो रहा है, और लगातार, ऐसा नहीं कि एक दो, हर दिन। मान लीजिए आपके पास 100 कस्टमर आते हैं तो उनमें से 80 और 90 लोगों का ऐसा ही ट्रांजेक्शन आ रहा है जो कि बैंक की नज़र आ चुकी है। ऐसे टाइप का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ऑनलाइन बंद कर देना है, आप ऑफलाइन उसे मांगो 5-10 रुपीज प्रिंटआउट के, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 5000 विड्रॉल करने पर आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा उसके अकाउंट से ही कटोगे तो ये बात बैंक को हजम नहीं हो रहा है, और बैंक वाले जो है ऐसे ही सब ट्रांजेक्शन के ऊपर बहुत सारी कंपनी का वो APS सेंटर बंद कर चुके हैं, कहीं आपका ये नंबर ना हो। तो जो लोग स्पाइस मनी, RNFI, पे नियर बाय, DGPay ही क्यों ना यूज करते हो, और SBI का CSP अगर आप यूज करते हो तब भी आप इसके दायरे में आ सकते हो। तो अभी के लिए आप इसे फिलहाल बंद कर दो। और बहुत सारे लोग का दिक्कत यह आता है कि कस्टमर का फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अगर आपको मोर्फो, मंत्रा और स्टार्टेक का फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना है तो इस वीडियो के नीचे आपको 3 लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ, लेमिनेशन मशीन बहुत ही सस्ता है, अभी आप ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके ले सकते हो। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी उसका एक वीडियो बना चुका हूं, आप फ्री में एक HN ID कैसे बना सकते हैं, उस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा।